This question is from Mr. Athar Shamsi from Kairana, Mulana, What is the role of sabar in sabr in yani, taskia? Sabr, to sab, yani sab to mastoos, sab kuch hai. Sabr ke bagair na namaz hai, sachchi, na roda hai, sachcha, na taskia, kuch bhi nahi ho क्योंकि हम जो जिस दुनिया में रहते हैं वह हर वक्त हमें सब्र ही तो करना है सब्र न करने की के कीमत क्या है नेगेटिव माइंड बन जाना आज की दुनिया में सारे मुसलमान नेगेटिव बने हुए हैं क्यों सब्र नहीं कर पाते मिसाल तो के तौर पर डनमार्क के अखबार में छप गया है कार्टून अब लड़ाई शुरू हो गई झगड़ा हंगामा शुरू कर दिया तो इस तरह के वाक़ हर दिन हर सुबह शाम होते रहते हैं जिस हम भड़क उड़ते हैं वो होंगे वो कैसे नहीं होंगे वो जब इंसान को आज़ादी है तो कुछ कुछ तो करता रहेगा वो वो तो कुछ से तो कुछ करेगा वो तो खुदा ने जब दुनिया में इंसान को आज़ाद बनाया है दुनिया में इम्तहान वाले माहौल यहाँ पर हैं तो लाजमन ऐसा होगा कि ऐसी चीज़ें पेश आएंगी जो हमारे लिए अनप्रजेंट होगी हमको पसंद नहीं आएंगी हमको प्रवोक करेंगी हमारे जज्बात को फड़काएंगी ये तो होता ही होता है उसको ओवरकम करना उससे ऊपर उठना तब जाकर आदमी पॉजिटिव थिंगर बनेगा तब जाकर आदमी इस काबिल होगा कि वो तस्किया कर सके तो, तो इस सब के, सब कुछ सब्र है सब्र तो मैं सोचता हूँ कि हर सुबह शाम करना है हर वक्त सब्र करना है इसीलिए कुरान मजीद में देखिए इन नमा याफ़ साबरुन आज बग़ैर साब इस सब्र पर अल्लाह फरमाया कि अनलिमिटेड रिवार्ड दिया जाएगा किसी और पर नहीं कहा इस तरीके से अनलिमिटेड रिवार्ड देखियो सब्र तो बहुत बड़ी इबादत है हर वक्त सब्र करना है सब्र न करेंगे आप तो क्या होसे पर रहेंगे हर हर वक्त तो आपके अंदर निगेटिविटी आ जाएगी हर वक्त तो आप प्रमोक हो जाएँगे हर वक्त तो आप भड़कर लड़ने लगेंगे हर वक्त आप डिबेट करेंगे हर वक्त डिस्ट्रैक्शन होगा आपका इसे होते ही होता है तो सब्र तो सारे अमाल के पीछे है सिर्फ तस्करे के पीछे नहीं सब्र के बगैर कोई अमल इंसान सही तरीके पर अदा नहीं कर सकता है सब्र आपको यानी जो ये जो दुनिया में जो इम्तहान की वजह से जो बातें हैं उनसे ऊपर उठाता है ये सब्र आपको मैं कहूँगा कि आपको बिग बॉड थिंकर बनाता है लोग समझते हैं कि सब्र कोई पैसिव चीज है बुजदली की बात है नहीं सब्र तो सबसे बड़ा पॉजिटिव वैल्यू है सब्र सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू सब्र है सब्र आपको बिग बॉड थिंकर बनाता है हालात रास्ते उठ कर सोचना जैसे आप रास्ता जा रहे हैं के वहां कुत्ते भूखने लगे वाप भी लगे डांट पब लगाने उसको तो आपने रिएक्ट किया ये ये बेसब्री है आप चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं तो आपने सब्र किया तो बेहतरीन फार्मूला है कि कुत्ते भूगते रहते हाथी हाथी चलता रहता है तो हाथी का तरीका सब्र का तरीका है और जो लोग कुत्ते के भूगने पर खुद भी लगे बोलने दौड़ने उसके पीछे उन्होंने बेसब्री का तरीका अख्तियार किया तो मैं समझता हूँ कि सब्र जो है सबसे बड़ी इबादत है सब्र का तलुक तमाम आपके तमाम सोच से है तमाम अमल से है सब्र के बगैर आप इस दुनिया में कोई भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते किसी भी चीज़ बगैर सब्र की कामयाबी मुमकिन नहीं है